गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हैप्पी चिप। आज मेरे साथ दोबारा से ज़ारा मकबूल इज प्रेजेंट। शी इज़ बीन विद मी ऑन अ कपल ऑफ पॉडकास्ट बिफोर। आई थिंक वी हैव डन टू बिफोर। या वी हैव डन टू बिफोर एंड यू गाइस हैव लव्ड हर एंड द इनसाइट्स दैट शी शेयर्स विद अस। सो आई थॉट कि हम आते हैं दोबारा, कॉन्वर्सेशन करते हैं ज़ारा के साथ। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र है। हाउ हैव यू बीन? गुड, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू डू दिस विद मी again. It's my pleasure having you over. Thank and you. Over so much I learned from you, Zara. I appreciate on camera that. And off camera as well. I think I start missing it. I reach out to you sometimes. Yeah. Myself as well. So the thing that we kind of want to talk about with you today is mostly around trauma, and maybe around, you know, how childhood trauma can lead to problems in, you know, adult life, or, you know, how it can be sort of dealt with. And basically what I want to talk about today is, you know, trauma and its place in our lives. So the first thing I want to talk about is ke trauma hota kya hai and what all entails trauma. Can you give me a bit sort of... आई थिंक सबसे बड़ी हम ना जैसे हम पहले बात कहे थे कि मिसकंसेप्शन है कि सो फॉर एग्जाम्पल मेनी टाइम्स क्लाइंट्स कम टू मी एंड आई से समथिंग लाइक वेल दैट साउंड्स वेरी ट्रोमैटिक एंड दे इमीडिएटली डिसमिस इट बाय सेइंग नहीं ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, इट्स नॉट एज इफ आई हैव लॉस्ट समवन क्लोज टू मी और आई हैव बीन थ्रू अ डिवोर्स और अब्यूज हिस्ट्री है। सो हमने एक तो थोड़ा सा जो है ना ट्रामा के वर्ड को सिर्फ बिग लाइफ इवेंट्स के साथ एसोसिएट कर लिया है कि आपके अगर पेरेंट्स की डिवोर्स हुई है, दिस द लॉस ऑफ पेरेंट गॉड फॉरबिड, सेक्सुअल अब्यूज हिस्ट्री है, लेकिन ट्रामा इज ऑल अबाउट द परसेप्शन ऑफ समथिंग वेरी सिंपल इन स्कूल विच माइट बी जस्ट अ सिंगल इवेंट ऑफ बींग बुलीड कैन बी वेरी ट्रोमैटिक फॉर यू नो चाइल्ड ए, वेर एज फॉर चाइल्ड बी इट माइट नॉट बी ट्रोमैटिक। सो इट्स नॉट जस्ट कि इवेंट क्या है, हर इंसान फ़र्क है, हर बच्चा फ़र्क है, उसके लिए उस चीज़ का असर कितना ज़्यादा है। राइट सो जो चाइल्डहुड एडवर्सिटी की जैसे बात की जाती है उसमें बहुत चीज़ें हैं उसके अंदर। एक बच्चा जिसको ये सेफ्टी फील ना हो कि अपने पेरेंट्स से अपने दिल की बात कर सके, उसके लिए वो ट्रोमेटिक लाइफ हिस्ट्री है। right. कि एक चार साल का बच्चा, पाँच साल का बच्चे ने अपनी हर बात को अपने अंदर रखना है क्योंकि उसके जैसा माहौल नहीं कि तो दैट इज़ ट्रामा एज वेल। राइट, नॉट जस्ट नॉट फीलिंग सेफ इन योर एनवायरनमेंट। सो इट्स नॉट डजंट हैव टू बी अ बिग लाइफ इवेंट, इट कैन बी अ वेरी स्मॉल इनसिग्निफिकेंट थिंग फॉर पर्सन ए and it can be very traumatic for another right. you know child or human so being. It can be anything yeah. but it depends on how it makes you feel is how what kind of defines yeah. whether yeah. this is a traumatic yeah. thing or like Bilkul. Or not. Absolutely right. So how do you think that sort of what kind of a childhood or what are some or how childhood trauma ends up affecting adults? Because a lot of the times, like, you know, we're just living and sort of reacting to a lot of situations and things in our life and we don't really know why we behave like this. Do you think a lot of it has to do with like childhood trauma or how does see, it see abhi matlab jaise it's been quite a few years since I've been working right, so almost kya each and every person who has come for therapy or even people around me, mere friends mein dekh lo, family mein dekh lo, jisne apni koi personal kahani share ki hai jiske andar bahut badi koi adversity nahi hai jiske abhi hum baat kar rahe hain, uske bawajood they have moments of feeling helplessness, helpless, they have felt emotional distress, kuch na kuch unki zindagi se guzra hai. Maine bhi recently jisme aapko bata rahi thi ki सर्टिफिकेशन की है एंड आई इन सॉर्ट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग मोर ऑफ ट्रामा इन्फॉर्म्ड वर्क इन माई प्रैक्टिस एंड इट वॉज ओवरवेलमिंग कि हाउ मच आर ब्रेन एंड अ नर्वस सिस्टम गेट्स अफेक्टेड बाई द काइंड ऑफ अर्ली ईयर्स वी हैव हैड। दे इज अपेरेंटली लाइक दिस अ फॉर्म, इन फैक्ट इट्स कॉल्ड चाइल्डहुड एडवर्सिटी फॉर्म, जो हर क्लाइंट को जैसे मैं जो फर्स्ट टाइम आता है उसके इनटेक में मैं करती हूँ एंड इट हैज़ अ सेट ऑफ क्वेश्चन एंड देन देर इज अ स्कोर। सो इफ अगर आपका स्कोर 3 से ज़्यादा है तो उसका मतलब है आपका ये स्केल है ट्रामा का और आपने इसमें क्या क्या काम करना है। right. और उसमें था परसेंटेज थी कि 70-75% लोग जो दुनिया में है उनका 4 से ऊपर है, कुछ ना कुछ किसी की जिंदगी से गुजरा हुआ है। राइट, सो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड हमें करना चाहिए कि भाई हम इम्पैक्ट क्या है। right. तो जो मैंने जो पढ़ा और जैसे मैंने इस चीज़ को समझा कि अगर आपको बचपन में स्ट्रेस है तो एक तो आपकी बॉडी में कॉर्टिजोल जो स्ट्रेस हॉर्मोन है वो एक्सेसिव है और अगर वो एक्सेसिव हो वो जाके आपके ब्रेन का एक पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस, उसको श्रिंक कर देता है। अच्छा। अब आजकल आपने देखा होगा कितने लोग कहते हैं या हमें कुछ याद नहीं है, हमें बचपन का कुछ याद नहीं है, हमारी आजकल मेमोरी, और हिप्पोकैम्पस का काम आपकी मेमोरी को वो करना है, रेगुलेट करना और आपकी
मेमोरी बिल्डिंग है. सो तो मेमोरी क्यों लोगों की इतनी इफेक्ट हो रही है, क्योंकि वो बचपन में जिस टाइम पे उन्होंने एक्सपीरियंस किया, अगर उसको प्रोसेस ना किया जाए. प्रोसेसिंग का मतलब है कि इफ आई एम गोइंग टू समथिंग एज अ चाइल्ड, डू आई हैव अ पेरेंट हु विल कम टू मी एंड मेक मी सिट डाउन एंड गिव मी स्पेस टू एक्सप्रेस. सो दैट वो जो एक ट्रोमेटिक आपकी हिस्ट्री ना आपकी लिटरली ब्रेन के न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं और उसमें वो स्टोर हो जाती है. ठीक है, तो अगर उसको ब्रेक ना किया जाए बात करने से, एक्सप्रेस करने से, वो उस टाइम पे आप इमेजिन करो इन लेमन वर्ड्स आई वुड से कि वो लॉक हो जाएगी. ठीक है, उसको प्रोसीजरल मेमोरी कहते हैं. वो प्रोसीजरल मेमोरी आपकी बन गई है. ठीक है, अब बस 20-25-30 साल के बाद आपको कोई भी चीज़ ट्रिगर कर सकती है. इट कैन बी फॉर एग्जांपल आई नो ऑफ अ क्लाइंट जिसको मैंने एक इमेज दिखाया जिसमें गोल गोल सर्कल्स थे एंड शी स्टार्टेड टू हैव अ पैनिक अटैक. एंड देन व्हेन यू प्रोसेस इट समहाउ जस्ट दैट इमेज ट्रिगर्ड दैट प्रोसीजरल मेमोरी एंड अर्ली ईयर्स का ट्रॉमा उसका काफ़ी हद तक बाहर आ गया जिसका ताल्लुक उस इमेज से भी था कहीं ना कहीं जाके. राइट, सो ट्रॉमा को सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हमारी माइंड पे, हमारी बॉडीज पे, हमारी एक्चुअली न्यूरोसाइंस, जो ये अभी की बात नहीं कर रही, मैंने तो अभी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पढ़ा है कि आपकी हार्मोन हेल्थ, आपका नर्वस सिस्टम, सब कुछ अफेक्टेड है. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपके फिजिकल सिम्टम्स. अगर आप कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में बचपन में गुजर रहे हैं बच्चे और आपके घर में वो माहौल अच्छा नहीं है, आपके सारे इंपॉर्टेंट सिस्टम्स अप्रेस होना शुरू हो जाते हैं. न्यूट्रिशनल गैस्ट्रिक इशूज़ लोगों के हैं, नर्वस सिस्टम है, सुबह उठ रहे कह रहे हैं हमारे शोल्डर में दर्द है, हमारी टांग में दर्द है. सो माइंड एंड बॉडी इज़ नॉट माइंड एंड बॉडी, इट इज़ बॉडी माइंड. राइट, सो सबसे पहले जो है ना, फर्स्ट आई थिंक आई एम जस्ट इन्वाइटिंग पीपल टू बी क्यूरियस अबाउट हाउ डू दे फील इन द बॉडी. एंड डजंट इवन हैव टू, दे डोंट नीड टू फाइंड एविडेंस कि नहीं यार मेरे बच्चों में इतना तो नहीं हुआ था तो फिर मुझे क्यों अल्सर हुआ है. इट डजंट मैटर कि थोड़ा हुआ है कि ज़्यादा हुआ है, योर बॉडी इज टेलिंग यू देर इज समथिंग दैट यू एक्सपीरियंस एंड इट इज स्टिल फ्रोजन इन योर बॉडी. राइट, इट इज फ्रोजन इन टाइम एंड देर इज अ हिस्ट्री दैट योर बॉडी इज कैरिंग. इट्स इंटरेस्टिंग, यू नो, इट्स लाइक जस्ट बिकॉज यू डोंट रिमेंबर इट or acknowledge it doesn't mean that it doesn't exist. Like you can't remove it out of existence just by not thinking about it. Bilkul. So it's there and somehow, you know, matlab it can come up at any point or at any time. Absolutely. Jo ki mujhe badi, like a lot of the times, you know, like log ye kehte hain ke, especially, you know, adults when they're dealing with kids, इसको याद नहीं रहेगा कोई बात नहीं, यू नो. ठीक, ऑब्वियसली याद नहीं रहेगा, अभी बहुत छोटा, बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन उसको उसके जहन में अब्सॉर्ब हो जाएगा, उसकी कॉन्शियस जो बॉडी है बिल्कुल बॉडी में चला जाएगा. राइट, सो वो अलॉट ऑफ पीपल आर लाइक देयर इज नो नीड टू डू दिस और इट्स ओके इफ यू डू दैट अराउंड द चाइल्ड और विद द चाइल्ड. पेरेंट्स तो समझते हैं कि जी अभी तो ये बेबी है, बेबी के सामने फर्क नहीं पड़ा. राइट, और जो प्री वर्बल स्टेज है जिसमें वो बोल नहीं रहा उसमें तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है. इसीलिए इवन व्हेन यू हैव कंसीव्ड एंड यू आर कैरिंग द बेबी, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज दैट द मदर टेक्स केयर ऑफ हर फिजिकल हेल्थ एंड हर मेंटल हेल्थ. सो वो याद ना रहने वाला तो कोई सवाल ही नहीं है. एक रिसेंटली मैंने बुक पढ़ी थी द बॉडी कीप्स अ स्कोर. सो पीपल हु हैव वर्कड ऑन दिस, जिन्होंने काम किया है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक. सो बॉडी हैज द मेमोरी ऑफ इट एंड दैट मेमोरी एंड इन अ वे आजकल इन एडल्ट लाइफ जो हमारी एक्स एंड पेन्स है, हमारी बॉडी, वो बॉडी आपको याद करा रही है बार बार कि वेक अप एंड गिव मी अटेंशन, प्लीज नोटिस मी. दिस इज नॉट बिकॉज यू यूज्ड अ बैड पिलो और तुम राइट साइड पे सो गई हो. और तुम्हें ऐसे इसलिए नहीं कि तुम एक दिन पहले जाके कहीं चिकन टिक्का गए. अब तुम्हें जो रिकरिंग सिम्टम्स हमारे लगातार आते हैं, दैट इज द बॉडी सेइंग वेक अप एंड गिव मी अटेंशन एंड हाउ कैन यू रेगुलेट इट, हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ इट. So yeah, it's like होता ना कि the body stores the trauma and it's gonna keep storing it and it's gonna keep coming out in this way or in that. बिल्कुल. Okay, आप and your adult life, I think it's, I think it compromises like on small things like आपको but like your decision making or like your relationships with people. You know, like कुछ लोगों का होता है कि देर स्टक इन अ लूप ऑफ लाइक टॉक्सिसिटी, लाइक यू नो ईयर आफ्टर ईयर, पर्सन आफ्टर पर्सन, कुछ रिलेशनशिप्स कभी इम्प्रूव ही नहीं होते. एंड आई थिंक इट्स बिकॉज इट्स नॉट अबाउट राइट नाउ, इट्स अबाउट समथिंग इन द पास्ट और मे बी समथिंग टू डू विद योर पेरेंट्स, लाइक वो अटैचमेंट स्टाइल वाली जो चीज़ होती है. आई थिंक या सो इट्स काइंड ऑफ, आई थिंक ये जो पॉइंट आपने कहा ना, इसमें चीज़ समझो कि देखो आपका जैसे उसमें जब ये सुन रही थी अपनी ट्रेनिंग में, तो दैट गाय सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर एक औरत और आदमी लड़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, और आदमी एक, अगर आपने फाइट फ्लाइट फ्रीज मोड का सुना हो, दीज आर द थ्री रिस्पॉन्सेज ऑफ द नर्वस सिस्टम टू
any threat. So there's a fight mode, or there's a flight mode, or the freeze mode. Yeah. So you see the man who's screaming, and you see the woman in a state of, she's just frozen and she's quietly listening. Right. So this is the biology talking. This has got nothing to do with hum kis baat pe lad rahe hain aur ye hue conflict har ek ki zindagi mein aa raha hai. Aur maine abhi ke point ye likha tha, conflict is part and parcel of the two different people who are in a relationship together. Yeah. It's the problem isn't what we fight about, it is how we fight. Okay. And how we fight has got to do with our biology and our neurobiology. Okay. So this man did not choose a fight mode. This is nervous system's choice ki wo fight mode mein apne trauma ko address karta hai. Theek hai. Sahi. And this is not a woman's choice ki wo freeze ho jati hai. Ye bhi uske nervous system ne choose kiya hai. So agar ek bahut se log hain jo therapy affording kar sakte, jaise hum pehle baat kar rahe the, aap sabse pehle samjhein ki aapki body dysregulate ho jati hai jab aap bahut zyada upset ho ya trigger ho. Kyunki hamare ye kuch saal pehle unhone kaha na ki if I'm not wrong, we have three brains. Brains are always three, but हाँ. Peter Levine, this guy who came up with the triune brain theory, that one thinking brain, then one emotional brain, and then one of your instinctual reptilians we have shared. Thinking brain, which is called neocortex, that's part of the brain, that we are talking with a rational mind. We are thinking with each other. We have a conscious intention to sit and work. Emotional brain is the limbic system, which is again part of the brain, कि जब आपको threat feel होती है तो उस वक्त वो सारा message nervous system को जाता है, cortisol, adrenaline सारा कुछ. आप जब trauma आपका नहीं हुआ process बचपन में और आपकी procedural memory activate होगी, यही limbic system थोड़ी सी चीज के ऊपर एकदम वही सारा करेगा जो उसने बचपन में किया है और वही nervous system वैसे ही respond करेगा जैसे छोटे होते किया है. तो जो adult उस वक्त लड़ रहा है और जो बंदी वो कर रही है, ये उनकी limbic system काम कर रहे हैं, ये उनके emotions काम कर रहे हैं. तो उस time पे होता क्या है लड़ाई के वक्त, अब फॉर एग्जाम्पल दिस कपल हुज कम एंड द बंदी विल से बट कैन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मी एंड द गाय स्क्रीमिंग, इवन इफ ही इज नॉट स्क्रीमिंग ही इज एजिटेटेड एट दैट मोमेंट, प्लीज अंडरस्टैंड द थिंकिंग ब्रेन इज नॉट वर्किंग बिकॉज द एंटायर बॉडी द ब्रेन इज ट्राइंग टू गिव ऑल द एनर्जी टू दिस ह्यूमन बींग, जिसमें आपको जो ब्लड है वो आपका टांगों में चला गया, आपकी टांगे कांप रही, यू नीड ऑल दैट टू एड्रेस दैट कॉन्फ्लिक्ट. So he's not choosing it to be like that. Yeah. So my sincere suggestion would be for those people who are especially conflict jab hota hai, jab aapko agle ke ek nazar aa raha hai ki ye triggered hai, wo isliye triggered nahi hai ki uska dimag kharab hai, wo to मतलब उसका वो भी वजह होगी लेकिन हाँ. लेकिन ये उसकी बायोलॉजी, ये उसके बस में नहीं है. सही. तो आप उस टाइम पे लर्न टू हैव अ टाइम आउट इन रिलेशनशिप्स कि लुक आई कैन सी दैट यू ट्रिगर्ड एंड कैन वी हैव अ टाइम आउट एंड वी कैन कम बैक बिकॉज इट लिटरली टेक्स अ फ्यू मिनट्स फॉर दैट नर्वस सिस्टम टू काम डाउन. बट व्हाट पीपल डू इज वो उसी के अंदर बात करते रहते हैं. अब वो दिमाग उतना ही एजिटेटेड है, उसको रेस्ट ही नहीं मिल रहा. राइट. तो आपका अपने अगर सुना हो ना कि एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, फिर एक पैरा सिंपैथेटिक, और योर डॉक्टर्स यू नो इट. सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को तो मौका ही नहीं दिया जा रहा. और दूसरा बंदा कह रहा है लेकिन आप समझिए तो सही, आप समझिए तो सही, वो समझ ही नहीं सकता. सो टेकिंग दैट ब्रीदर कैन रियली रियली हेल्प बिकॉज अ कपल हैज टू लर्न टू को रेगुलेट. Yes, there's a concept called neuroception. Okay. So my neurons and your neurons are mirroring each other right now. Yeah, I've heard, yeah. You're speaking softly. If you start raising your voice, my voice will go up as well. Right. My heart will start beating fast. Yeah. I'll feel agitated. Yeah. So, very interesting. So firstly, regulating ourselves, and then also that can be a space of co-regulation with our partners. Yeah, interesting word, co-regulation. And kids, yeah. Actually, this is interesting because I once... read somewhere, I don't know, I've known this for a while, I don't know maine kis point pe ya kab padha tha, but so basically sometimes like your child can have like a meltdown or a tantrum or a breakdown, and a lot of the times what parents try to do is in that moment they're trying to teach the child a lesson. Right. Absolutely. Most likely wo tantrum hota bhi isliye kyunki child ne koi aisi harkat ki hai that the parent disapproves of, to fir wo usko mana karte hain, jab usse mana karte hain to usse tantrum ho jata hai. Ab fir wo tantrum ke beech mein they're trying to teach the child, listen, this is wrong, that's why I'm not allowing you to do this, but maine padha tha ki that's not going to work because at that time the child's rational brain or logical thinking is not working. It's just emotions, emotional. और वो एक्चुअली बॉडी को और ज्यादा एजिटेट आपका ब्रेन अंदर से कर रहा है ताकि आप जो थ्रेट फील कर रही है साइकी इस वक्त, तो उसकी हार्ट बीट तेज हो रही है, उसका मुंह लाल हो रहा है, तो आप उसको जैसे द गाय वाज टॉकिंग अबाउट पहले डॉक्टर गाबर माते हुज डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन ट्रॉमा, ही सेड व्हाट डू मदर्स डू उस टाइम पे
टाइम आउट के लिए भेज देती हैं. यानी जिस वक्त बच्चे ओवरवेलमिंग इमोशंस फील कर रहे हैं और एक बच्चा अपने आप को रेगुलेट करने की कैपेसिटी नहीं रखता, उसको कहा जाता है जाओ अकेले जाके रेगुलेट करो. Right, so you have to be there for the child. Of course, and okay. physically, see, if you notice, like, bahir bahut zyada, you know, the moms will bend down at the level of the child. Yeah. Agar aap physically karo, to wo oxytocin, physical touch, say, it's a good hormone that they need at the time. Okay. They'll calm down. They need a sense of comfort because they are just experiencing a lot of threat. I think all of these things are very tricky parenting mein, kyunki it's like, you know, people will say ke, wo is tarah react kare, to usse bhi ignore karo taki wo aainda aise. Like उससे वो कि अच्छा this doesn't work, like I can't throw a tantrum or a fit like this every time and then I will get my way or my parents will sympathize or somebody will come and you know hug me or give me support. तो a lot of people say कि अच्छा नहीं बच्चे को भी ignore करो ताकि ये discourage हो जाए to behave like this. So that's a wrong strategy is what you're saying. Absolutely. आप उसको अगर थोड़ा सा comfort दें और प्यार करें कि okay I can see that you're really triggered. Okay. You use some other word for a child depending on what age they are in. Yeah. आप एक adult को जैसे मैं कह रही हूँ कि आप कहेंगे if this is spouse then you say okay I can see that you triggered because trigger might be because I have triggered that person, it might be because the procedural memory is activated and it has nothing to do with me, but then as a partner it is my job to soothe the nervous system for my partner, right? Right. Similarly yes. A बच्चे को सिर्फ हल्का सा comfort करके कहें कि okay I can see that you're upset right now, we'll talk when you're less upset और थोड़ा सा उसे comfort करके because देखो उसके emotions को तो आपको validate करना है. Yeah. वो lesson तो बात की बात है. Yeah. और emotions हमारे control में नहीं है. Right. बच्चा जो agitated है he is not choosing to be like this. Yeah. This is his nervous system's choice. Right. So who are you really blaming over here? Yeah. So once the child is calmed down and like you know. उसके बाद वो आपके बाद जैसे my youngest is quite a screamer. ऐसा ऐसा उसका change हो रहा है तो अब मैं पहले ये कहती थी कि मैं उस वक्त उसको school करने की कोशिश करती थी. अब literally ये होता है कि वो 2-3 minute के बाद चीखे चीखे मार के जब उसका nervous system calm down हो जाता है तो then she'll come to me and she said okay I could have said it differently. Yeah. And I also realized कि देखो ये जैसे मैं जब ये training कर रही थी तो उन्होंने कहा कि आपका रिस्पॉन्स टाइम ना जिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा बचपन में ट्रोमेटिक टाइम देखा है पेरेंट्स की लड़ाइयाँ जो कि 9 से 10 देसी हाउस होल्ड्स में हो रहा है तो आपका ना स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का टाइम इन बच्चों का कम होता है इसीलिए जो लोग रिएक्ट क्यों करते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल आप अगर मुझे कुछ अभी कहोगी तो मैं आई थिंक अबाउट इट प्रॉबली एंड देन आई विल प्रॉबली रिस्पॉन्ड आई विल नॉट जस्ट jump at you, right? But you see लोग road rage है एकदम किसको आगे आया है सोचे समझे बगैर because नहीं चल रहा उस वक्त thinking brain वो निकलेंगे और वो गुस्सा करना शुरू कर देंगे. तो जिन adults ने बचपन में बहुत ज़्यादा experience कुछ किया हो तो actually जो neurons and like the brain chemistry and the pathways change कि उनका stimulus और उसका gap बहुत कम हो जाता है. Right. जैसे वो trigger हुए they'll react. Right. So वो गैप आपका बढ़ता है अगर आपका वो ट्रॉमा प्रोसेस करना शुरू करें. Yeah. कई लोगों सम पीपल कैन ग्राउंड देमसेल्फ राइट गुस्से के बावजूद वो 1-2 मिनट उनको लगते हैं और फिर वो कहते हैं ओके आई थिंक आई डोंट वांट टू टॉक राइट नाउ आई नीड but some people don't even get to say this. Yeah. they just lash out. Very interesting. Badi thoughts aa rahi hai but I think that's going to go on another tangent but ha like Yeah, so I think what we're saying is ke how you are dealt with in your childhood really affects you. Absolutely. Your mind, your body, it changes your brain chemistry. इसीलिए जिन लोगों को अभी antidepressants वगैरह के लोग क्यों लेने पड़ते हैं डिप्रेशन होता तो आपकी किसी ना किसी ट्रोमेटिक हिस्ट्री की वजह से है लेकिन अगेन जिन्होंने बहुत स्ट्रेस फेस किया हो उनके सेरेटोनिन लेवल्स कम हो जाते हैं. सेरेटोनिन इज अ हार्मोन दैट रेगुलेट्स योर मूड इट रेगुलेट्स योर sense of well-being and then they do need to take that to balance it out. Yeah. But along with that again and again you need to talk it out, you need the therapy for that medication can regulate it but it can't because you have to take it out to your system. You also need to make a sense of what happened. Yeah. So for example just yesterday or day before yesterday there was a client who's now after 4 years told me about her history of abuse as a child. Achha. To uske andar the first thing that she said was I know it was my fault because I did not stop my abuser. Ab wo 4 saal ki jo wo jis waqt wo bachchi thi
वो जितनी मर्जी आप उसको SSRI आप उसको सेरोटोनिन के वो दे दें या आप उसको सिपरलेक्स दे दें, उसकी इस जो कॉग्निशन है जिसमें डिसोनेंस है उसको कौन चैलेंज करेगा? राइट, सो बेसिकली दोस कनेक्शंस नीड टू बी ऑफ कोर्स लाइक हाउ शी लुक्स एट दैट थिंग हैज टू बी चेंज्ड. सो एन एंटीडिप्रेसेंट एंड एंजाइटी पिल्स कैन ओनली रेगुलेट अ नर्वस सिस्टम सो मच, बट व्हेन द थॉट लूप स्टॉप्स वो कितनी भी मेडिकेशन ले लेगी. राइट, लाइक यू आर नॉट लाइक विद द मेडिकेशन इट्स लाइक अ कॉस्मेटिक फिक्स, यू आर नॉट You need to challenge all those cognitions, all those understanding that you have had, right? Yeah. So दवाई इसलिए लोग आप सुनती हो कि पहले को 20 mg पे अब वो 40 पे वो 50 पे वो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन वो उनकी ट्रोमेटिक हिस्ट्री वहीं की वहीं है. Yeah. Because that adult who's sitting before me, we'll spend so many sessions just for her to understand. No, it wasn't you know you that wanted it. Your body responded, but you, I mean there's a lot. There's so many layers that she has to navigate through, right? Yeah. Okay, so you wanted to talk about, I think this conversation came up initially, okay, we'll talk about this, was because, you know, we've been hearing about kids sort of, you know, going for suicide when, you know, feeling under too much pressure. What do you think, like, why, what are your thoughts around that? See, initially, of course, जैसे भी recently जब सुना था एक स्कूल के I won't take the school same, वहाँ के बच्चे का सुना, कराची में हमने सुना, तो of course, as a parent, I felt very, very scared as well. Yeah. And I remember having this conversation with my therapist. He's not from here, but he works with a lot of Pakistani therapists and students. So he said something very interesting. He said, Zara, if I said I also pressurize my kid on पढ़ाई at times ना, तो मेरी तो सबसे पहले I was like okay, अब तो मैंने कहना ही नहीं ना, वो levels में वो levels हो रहे थे बेटे के, तो मैं हुई भी थी थोड़ा सा. And so he said Zara, if that was the case कि bad marriages and बच्चों को पढ़ाई की वजह से बच्चे suicide की तरफ जाएं, तो फिर तो 9 out of 10 हाउस होल्ड में अल्लाह माफ़ कर रही हो, बिकॉज ये आप लोगों के कल्चर का हिस्सा है कि आप लोग पढ़ाई का भी कहते हैं और आप लोगों की मैरिजेस भी माशाल्लाह ही हैं बस, ठीक है. सो ये एक रियलिटी है हमारे कल्चर की, लेट्स जस्ट एक्सेप्ट इट, राइट, अनफॉर्चुनेट बट इट इज. सो ही सेड कि इन दीस स्पेसिफिक केसेस आई एम श्योर देयर वाज फार मोर एट स्टेक, देयर वर मोर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स देन जस्ट सेइंग कि पढ़ाई का प्रेशर था तो एक बच्चे ने जान मार दी. इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट, इट्स नॉट एज सिंपल, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स. But having said that, of course, as parents, I'm introspecting all the time. I'm constantly checking it with myself because I had to unlearn some parenting skills and learning new. कि जैसे जैसे बच्चे जो हैं वो बड़े हो रहे हैं उनकी needs फ़र्क है. Teenagers बहुत मुश्किल एक stage है, और teenager में आप क्यों ज़्यादा सुन रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि teenage में आके social media की वजह से और लोगों का सुनकर उनके ideas हो रहे हैं, वो उनके वही 3 साल 4 साल 5 साल 12 13 तक आने तक के ज़िंदगी जो गुजरी हुई है उसमें जब उनकी बस हो गई है और सब साथ उनकी अगेन इस सी सो नाउ देयर इज अ स्टोरी दैट्स बिल्डिंग अप विद नोबडी इज गिविंग देम स्पेस टू टॉक अबाउट इट, दे आर अनसपोर्टेड, अलोंग विद दैट कम्स ऑल द फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी एंड द सेक्सुअलिटी इज अराउज एंड हॉर्मोन्स आर, तो कितना ओवरवेल्म में बॉडी भी जा चुकी है, माइंड पहले से ही है क्योंकि घर में जो कुछ भी हो रहा है, तो उस टाइम पे जब इनटॉलरेबल हो रहा है उस बच्चे के लिए 14 साल के 15 साल के लिए, तीसरी लेयर आ गई स्कूल के प्रेशर की, ओ लेवल्स एंड मेट्रिक एंड हाई स्कूल नहीं होगा तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, जो हमें लगता है कि वो 3 साल आपके मेक और ब्रेक है, विच इज़ एब्सोल्यूट BS. Yeah. I don't agree with that. Yeah. I mean, so, I didn't get a single A in O-levels. I think I've done well for myself. Yeah, yeah. But I remember my time in when I was in O-levels, the pressure was so much that I literally used the to world feel makes why you am feel I like, even matlab mujhe wo suicide ideation hoti thi us time pe. I'm sharing this. Literally I used to feel this is so difficult. Oh my God, yeah. How the hell am I gonna, because nahi mujhe science subject samajh aate the. And my father bahut zyada unki taraf se pressure tha ki mujhe distress tha sara waqt. I remember meri bhookh khatam ho gayi thi, mera weight lose hona shuru ho gaya. Mujhe literally लगता था मेरी ये जिंदगी क्या है, अगर मेरा ना हुआ तो मेरी वो मुझे बता रहे मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी. सो इसमें हमें एज पेरेंट्स जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, हमें अपने आप को बिल्कुल चेंज करने की जरूरत है कि ठीक है पढ़ाई है एंड आई डू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स हैं उस बच्चे ने जाके अपनी जिंदगी, लेकिन जो एक पाकिस्तानी एक कॉन्सेप्ट है कि 20s में अगर आपने नई जिंदगी में कुछ किया तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, 20s आर ऑल अबाउट स्ट्रगलिंग, टीनेज इज़ अबाउट स्ट्रगलिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल. आई मीन आई वाज इन माय लेट 30s व्हेन आई वेंट बैक टू स्कूल एंड आई एम अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग वेल, राइट. सो एक हम इतने सालों पे और उनमें हमने जो कंडीशन एक सोसाइटी की तरफ से लगाई हुई है उससे निकलने की जरूरत है. सो इट्स लाइक यू द वर्ल्ड काइंड ऑफ मेक्स दैट चाइल्ड फील लाइक Listen, like if you mess up today, your entire your life is ruined. So imagine feeling that. Yeah, yeah.
you can just ruin your life because you know. So ironically, अगर आप ये देखो इस जुमले में जो ऐसे मैंने बस कैंडिडली बोला है कि अगर तुम नहीं करो मुझे ये मैसेज मिला हुआ है योर लाइफ इज ओवर. सो वो बच्चा जब नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा, आई माइट एज वेल फिनिश इट माई सेल्फ. ओह माय गॉड, goosebumps. Yeah. Right? Yeah. कि अगर अब मुझे तो, और मेरे पेरेंट मुझे बता रहे हैं, मेरे टीचर्स मुझे बता रहे हैं जिनको मेरे बारे में जिंदगी का ज्यादा पता है. सो हाउ कैन दे बी रॉन्ग. सो देन दे लाइक ओके, अगर ये कह रहे हैं तो ऐसे ही होगा, तो फिर इस जिंदगी का फायदा क्या है. या आई हर्ड दिस थिंग वंस के यू नो लाइक बच्चे, क्योंकि बच्चे होते हैं एंड दे सी देयर पेरेंट्स एज वेरी परफेक्ट, सो वट एवर देयर पेरेंट्स आर डूइंग और देयर एडल्ट्स आर डूइंग, दे फील लाइक कि वो तो सही हैं, वो हमेशा सही कहते हैं, वो हमेशा सही होते हैं. सो वेन एवर लाइक समथिंग गोज रॉन्ग इन अ चाइल्ड्स लाइफ इस तरह, सो दे इवन इफ इट्स नॉट देयर फॉल्ट, समवेयर इन देयर हेड दे विल मेक इट मेक अ नोट के ये मेरी अपनी गलती है. बिल्कुल. इसका टू पोजिशन जो आप बात जो कर रही हो ना, वो एक्चुअली जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनकी जिसको ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, आपने कभी सुना है कि एडल्ट्स के बारे में कहते हैं यार इसकी बहुत ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग है, या ये जीरो पे, ये 100 पे. या जो भी आपने पॉइंट दिया ना, दैट्स इट्स पार्ट ऑफ अ ओके टू, मतलब एक चीजों का एटीट्यूड होता है कि एक बच्चा है और उसके माँ बाप बहुत समझो कि बुरा का सलूक कर रहे हैं, मारपीट है, गुस्सा है, तो या बच्चा वो करेगा जो आपने कहा है कि आई एम ऑल बैड, माय पेरेंट इज ऑल गुड, बिकॉज देर इज एन आइडियलाइजेशन टुवर्ड्स इज लार्जर देन लाइफ, पेरेंट लूमिंग ओवर यू इफ यू हैव दैट इमेज. या दूसरी चॉइस होती है कि बच्चा कहते हैं आई एम ऑल गुड, माय पेरेंट इज ऑल बैड. ओके, तो आप ऐसे एडल्ट देखोगे. नार्सिसिस्टिक लोग कौन होते हैं जो कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बुरी, तुम बुरा. दे विल कॉन्स्टेंटली ब्लेम अदर्स बट दे डोंट टेक ब्लेम. राइट. सो दैट्स द चाइल्ड हु इट वाज सो ओवरवेलमिंग फॉर देम टू इमेजिन कि पेरेंट या वो पेरेंट को चूज करेंगे, अपने आप को करेंगे. ओके, तो दे हैव अ स्प्लिट इन देम एंड देन दैट स्प्लिट कम्स इन एडल्ट लाइफ इन सो मेनी वेज एंड देन यू हैव एन एडल्ट विद अ ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग. Yeah. So either they take the position that you have, and mostly we do, because at the end of the day, imagining that this parent who's supposed to be all good can be bad is extremely traumatic. Yes. और ये जब baby पैदा होते हैं तो ये the baby goes through this initially. Okay. And if you notice ना कि बच्चे की माँ सामने से हटती है तो बच्चा रोना शुरू कर देता है, माँ सामने आती है तो smile करना शुरू कर देता है. तो initially baby feels कि when she is not in front of me she is all bad. Yeah. And when she is front of me she is all good. Right. But age 2-3 में स्पिरिट इंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है हेल्दी घरों में. इवन व्हेन शी इज नॉट देयर आई नो शी विल कम बैक. इसीलिए आप कहते हैं कि बच्चों को बता के जाएं मैं घंटे के लिए जा रही हूँ, दो घंटे के लिए जा रही हूँ. राइट राइट. ओके, सो लाइक या सो इट्स लाइक जितने वो छोटे हैं उतनी ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग है, और स्पिरिट इज सपोज टू इंटीग्रेट. और नार्सिसिस्टिक लोग जो होते हैं जिनको एक्चुअली नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उनका वो स्पिरिट इंटीग्रेट नहीं होता. तो वो कहेंगे हम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनके लिए वो इमेजिन करना बहुत मुश्किल है. उनकी कोपिंग्स के लिए ये थी आप बुरी हैं, आपका कसूर है. राइट. सो जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, कैन वी टॉक अ बिट अबाउट दैट, लाइक हु लाइक I don't know. I feel like that word is being thrown around a lot lately. So I've been thinking about it. In fact, kali I think na aaj subah I was reading something online about it ke oh, itni posts aati hai na, I'm like there's a lot of like information that is being put out in the world ke. It was interesting. It was about differences between a narcissistic person and just a neurodivergent person. No, but in काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जिसमें था कि जो नार्सिसिस्ट होता है अगर आप उसको उसका फ्लॉ पॉइंट आउट करो तो वो हमेशा कहेगा कि नहीं, गैस लाइट करेगा और कहेगा नहीं तुम्हारी ही गलती है. जो न्यूरो डाइवर्जेंट है वो थोड़ा सा कहेगा कि ओके आई एम सॉरी, लाइक यू नो आई कैन फिक्स इट, इवन इफ दे बिहेव इन दैट वे. फ्लेक्सिबिलिटी होगी उनकी. या सो हाउ डज वन ए बिकम अ नार्सिसिस्ट इफ यू नो एनीथिंग अबाउट दैट, एंड हाउ डज वन आइडेंटिफाई, बिकॉज आई थिंक पीपल आर स्टक इन दोज. या आई थिंक एक तो ये देखो कि ये टर्मिनोलॉजी को बहुत लूजली यूज किया जा रहा है. या दैट्स व्हाई. या हर कोई, एक तो नार्सिसिज्म का भी एक स्केल है, दिस इज हेल्दी नार्सिसिज्म एज वेल, जो मिरर आप में भी है. आई मीन लुक एट आवर प्रोफेशंस, हाउ मच मोर नार्सिसिस्टिक कैन वी बी. या ट्रू. यू नो योर प्रोफेशन इज वेयर यू वांट द वर्ल्ड टू नो हु यू आर एंड योर थॉट्स एंड ऑल ऑफ दैट, सो यू वांट दैट अटेंशन. राइट. एंड सो यू एंड आई वी हैव चोजन आवर प्रोफेशंस बेस्ड ऑन आवर हिस्ट्रीज. एंड अगेन आई फॉर माय 50 मिनट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माय क्लाइंट्स लाइफ फॉर दोस 50 मिनट्स. मेरी हर बात को का कितना वेट है. आई मीन आई एम गेटिंग पेड फॉर व्हाट आई से. राइट. इससे
ज़्यादा क्या narcissistic need हो सकती है, लेकिन उसके साथ एक check-in है, there is a humility, there is a lot that's going on. तो एक चीज़ है narcissistic personality disorder जिसको आपको proper identify कराते हैं, there is a scale for it, there is a DSM-5 for it. So randomly लोगों को narcissistic कहना मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा की बात है, क्योंकि वो स्केल हम में हर एक में एक बात है. अब होते कौन है, अगेन आपकी जिसको एक वो narcissistic wounding भी एक टर्म यूज़ किया जाता है उन लोगों के लिए जो बाद में जाके जिनको NPD होता है, narcissistic personality disorder. अच्छा. फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जिसको नो सुनने की आदत नहीं है, तो उसको entitlement की आदत है, तो वो बड़े होकर कैसा एडल्ट बनेगा, उसको सिर्फ यस सुनने की आदत है और ज़िंदगी में उसको कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग नहीं है. तो जब उसका कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर होगा वो जैसे एंड दैट्स ट्रॉमेटिक. सो द स्पॉइलिंग अ चाइल्ड छोटे होते हैं जिसको आप, तो दैट इज़ आप उसको ज़िंदगी के लिए तैयार नहीं कर रहे, आप उसको लेसन ये दे रहे हैं कि तुम बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट फ्री ज़िंदगी गुजारोगे. अब जब वो जाके बड़े होकर काम करता है, रिलेशनशिप में जाएगा जिसमें वी आर रूटेड इन कॉन्फ्लिक्ट, हमारी तो एवोल्यूशन इस चीज़ पर थी कि सेब खाएं कि ना खाएं, खा लिया और हम सारे फंस गए थे. ना खाया होता तो पता नहीं क्या होता, अच्छा ही होता वैसे मुझे तो लगता है. साउंडिंग वेरी व्हाटएवर बट या समटाइम्स आई डू फील के हज़रत आदम बट है नहीं, सेपरेट डिस्कशन ऑफ एयर. द पॉइंट इज कि सो यू नॉट प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर द वर्ल्ड एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू मोस्ट लाइकली विल हैव नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड देन यू हैव कपल्स कमिंग इन जिसमें इट्स लाइक माय वे और द हाईवे, अदरवाइज देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी. सो बेसिकली जस्ट लाइक वो बाउंड्रीज सेट करना, बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट का एसेंशियल डिसऑर्डर है जिसको आप, अगर आपको लग रहा है आपके स्पाउस में कुछ है, तो आप अगर उस पॉइंट पे मोस्टली अनफॉर्चुनेटली एक नार्सिसिस्टिक इंसान के साथ जब आप जिंदगी गुजारेंगे वो थेरेपी में भी नहीं आएगा, तो उसकी हेल्प बहुत मुश्किल होगा कि आप उसको कोई सपोर्ट कर सके. बिकॉज इट्स हार्ड टू इवन कन्विंस देम दैट समथिंग इज रॉन्ग. बिकॉज देखो जो चोट लगी हुई है साइकी को वो एक वॉल है जिस पे लिखा ये कि मैं ठीक हूँ, तो जैसे ही उस पे हल्का सा भी, बिकॉज ही दैट चाइल्ड could only manage his feelings as a baby, as a toddler, by telling himself मैं ठीक हूँ. That's his safety. For a narcissistic person, he only feels safe when he knows he's okay. और कहीं कोई आके challenge करता है तो वो react करेगा. Yeah. Right? Yeah. It's hard for them to reflect at all. बिल्कुल. Yeah. And I think just to add to that, because you were speaking about trauma पहले और हम बात ये कर रहे थे कि हर कोई थेरेपी में नहीं जा सकता, हम कैसे अपने नर्वस सिस्टम का ख्याल रखें और कैसे हम, ताकि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके साथ हम को रेगुलेटेड रहे, कि उसके लिए आपकी एक इंटेंशन होने की ज़रूरत है कि एंड देर इज़ सो मच मटीरियल ऑन यूट्यूब, देर इज़ सो मच मटीरियल ऑन वेब वे यू कैन लर्न अबाउट ट्रामा, यू कैन लर्न अबाउट योर बॉडी, यू कैन डू अ चेक इन योर सेल्फ एंड सी अच्छा यार मेरे ये मसले हैं, मुझे हार्ट का मसला है, मुझे बीपी का मसला है, फिर आप देखें कि आपके एक्सटर्नल स्ट्रेसेस पर जिंदगी में क्या है, क्या आप मैनेज कर सकते हैं, कुछ आप नहीं कर सकते. कुछ आपके फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप के इश्यूज हैं जो आप शायद 2 साल की थेरेपी में भी रेगुलेट नहीं हो रहे क्योंकि एक इंसान काम करना चाह रहा है दूसरा नहीं करना चाह रहा. अब अगर ये सिचुएशन है और फिर आपको ये पता है कि मैं शादी छोड़ भी नहीं सकती या नहीं छोड़ सकता, बच्चे हैं, माँ बाप है, जो भी आपके फैक्टर्स हैं, फिर इस स्पेस में हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, राइट? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तो आपने अपना ख्याल खुद रखना है, आप रख सकते हैं. या सो आई वाज एक्चुअली गोना आस्क यू के हाउ डज वन डू दैट इफ दे डोंट हैव दीस. देखो आपकी फॉर एग्जांपल अगर एक बैड रिलेशनशिप है, इट्स अ लॉट ऑफ हेल्पलेसनेस यू एक्सपीरियंसिंग डे इन एंड आउट, बट दैट डजंट मीन दैट यू हेल्पलेस इन एवरी स्पेस ऑफ योर लाइफ. देर आर दोज, देर इज दैट स्पेस विद इन दैट रिलेशनशिप और योर लाइफ वे यू कैन फील एम्पावर्ड, मे बी थ्रू अ प्रोफेशन, मे बी थ्रू अ हॉबी, मे बी थ्रू जस्ट सेइंग ओके आई एम स्टेपिंग आउट एंड आई एम गोइंग टू वॉक फॉर 30 मिनट्स और 40 मिनट्स. एंड अगेन जस्ट लाइक ट्रामा कैन you know sort of affect our mind so much and our attitude, इसी तरह वो 30 मिनट की जगह जो आप कहते हैं मेरी मर्जी में 40 मिनट करूँगी वो भी आपको हील करेगा. एंड हीलिंग फॉर अस इज़ ऑल अबाउट नॉट फीलिंग हेल्पलेस एंड फीलिंग एम्पावर्ड. एंड सो इवन इन बैड सिचुएशंस देर आर एरियाज वे वी डू हैव अ चॉइस टू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, बट हम वो भी छोड़ देते हैं. बस हम कहते हैं वो लोग हैं जो विक्टिम मोड में आके कहते हैं हमारे साथ सब बुरा है, हम अकेले रह जाएंगे, हमारी ज़िंदगी ख़त्म है. लेकिन बहुत बुरी ज़िंदगी में भी, जैसे एक सूर्य असर में या सूर्य दोहा में, कि आपकी अल्लाह ताला कई दफ़ा बुरे वक्त के बाद अच्छा आता है, कि बेशक मुश्किल के बाद, और ये नहीं है मुश्किल के बाद आसानी है, मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा था मुश्किल के साथ आसानी है, राइट?
राइट ओके आई ऑलवेज यूज टू थिंक इट सेज मुश्किल के बाद आसानी है नहीं उसमें लिखा हुआ है मुश्किल के साथ आसानी राइट सो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड तो हमारी हर एक की जिंदगी में जितनी हमें मुश्किलात नजर आती है जो हमारी हेडलाइन बन जाती है और हम उसी के इर्द गिर्द लगातार अपने आप को ट्रिगर कर रहे होते हैं अनकॉन्शियसली आसानियाँ साथ साथ हैं सिर्फ हम देखना उनको छोड़ देते हैं सो या सो दैट एलिमेंट ऑफ हैविंग gratitude and realizing and looking at what all we have can really sort of Absolutely. Help us and yeah. we all have our challenges you have yours I have mine nobody yeah. has that and again I'm not preaching ke bas shukr karo aur sabr karo aur agar bahut buri shaadi bhi hai to kya farak padta hai of course farak padta hai isliye client mere paas aayega to hum kitne sessions is cheez pe usko leke aayenge kyunki usne culturally suna hoga ki nahi bas sabr shukr karo yeah to wo that which is very dangerous concept aap acknowledge yeah. zarur karein ki yes my relationship is horrible but I love my profession I love the fact that I have a good group of friends I love my kids that doesn't mean that bad situation isn't bad but there is goodness as well yeah and that also doesn't mean that you stop trying to find solutions to that problem right you can just make that make it easier for yourself Bilkul. To handle this particular situation aur ye bhi itna important point hai humne jo abhi aapne baat ki na ki ज़्यादातर डिस्ट्रेस मैंने देखा है क्या होता है और मैंने अपना पर्सनल भी एक मेरी जर्नी में था कि मैं जहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि गुंजाइश नहीं है वो दरवाज़ा बंद है मैं नॉक किए जा रही हूँ सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर एक आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिधर आप बहुत डिस्ट्रेस में कुछ अच्छी है स्टॉप नॉकिंग एंड एक्सेप्ट कि ये दरवाज़ा नहीं खुलना ठीक है और क्योंकि आप सारा फोकस एक तरफ कर रहे हैं तो जब इस तरफ इतना कुछ आपके लिए अच्छा है आपकी सारी एनर्जी आपकी कंज्यूम फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर इन अ बैड रिलेशनशिप और उसके अंदर कुछ चैलेंजेस हैं लोगों के इंटीमेसी इश्यूज हैं लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज हैं और आपने फैसला कर लिया कि मैंने मुश्किल नहीं गुजारनी या मैंने बस बर्दाश्त करना है तो फिर उसको देन टेक इट एज अ चॉइस दैट यू आर मेकिंग डोंट थिंक कि मेरे पास और चॉइस नहीं है चॉइस हर एक के पास होती है ऑफ कोर्स बहुत तकलीफ तो होती है कि अगर एक औरत अपना घर छोड़ेगी तो मैं कमाऊंगी कैसे लेकिन आप जब तक निकलेंगी नहीं आप नहीं आपको पता चल सकता राइट तो आप वहाँ एक अपना एक एटीट्यूड ये रखें कि नो ओके आई एम चूजिंग टू स्टे बिकॉज ये सारे फैक्टर्स हैं और मुझे लगता है कि मैं अपने ओन पे नहीं नेविगेट कर सकूंगी तो मुझे ये थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए ठीक उसके बाद उस दरवाजे को खटकाना बंद कर दें और अपनी एनर्जी को और जगह पे यूज करें आई थिंक इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स वेयर यू कहते हैं ना कि इट्स इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई रियली फैक्टर्स दैट आर इन योर कंट्रोल एंड दोस दैट आर नॉट बिल्कुल राइट इफ यू गोइंग टू स्पेंड योर एनर्जी लिटरली कंज्यूम्ड बाय फैक्टर्स दैट आर आउट ऑफ योर कंट्रोल या कुछ भी नहीं होने वाला इट्स अ फैक्टर दैट इज आउट ऑफ योर कंट्रोल आप अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं अपने नर्वस सिस्टम को ट्रिगर कर रहे हैं अपने आप को लगातार ट्रॉमा और थ्रेट में रख रहे हैं और सफर आप कर रहे हैं एंड अ लॉट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन यू शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम फैक्टर्स दैट आर आउट ऑफ योर कंट्रोल व्हिच आर मोस्टली फ्रस्ट्रेटिंग सो यू टेंड टू फोकस योर एनर्जी ऑन देम बट शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम देम टू फैक्टर्स दैट आर इन योर कंट्रोल बिल्कुल मोर ऑफन देन नॉट you elevate yourself in a way that you are able to find the solution to the factor that is bilkul in that previously felt like it was out of your control. It's also about like I think for us to realize that we are really helpless like when I was doing this training and I'm not a doctor meri medical ki nahi hai background lekin main jab brain ka padhna shuru kiya aur maine I was like ki allah ka kamal hai ki isme se ek cheez bhi left right ho jaye to hamara pura system ek minute mein ho jayega collapse oh my god yeah so hamari helplessness ko hum pehchante nahi hai hum lagatar kehte hain main ye bhi kar sakti hu main wo bhi kar sakti hu of course kar sakti hu free will hai lekin at the end of the day beyond a point let's realize that we are helpless to many factors jo hamare beyond hai and it's almost like then let go of it na letting go is also important so Okay, so another thing that has popped in my head during this conversation, it's that ke, so, you know, when you're in that state of mind jahan aapko lagta hai ki aap victim ho aur aapke sath bahut bura ho raha hai aur another thing that kicks in at that time is, you know, aapko lagta hai ki sirf aap hi ke sath bura ho raha hai and then you start seeing other people and you're like, ke, oh, इनकी लाइफ तो बहुत अच्छी है यू नो वो द कंपैरिजन फैक्टर एंड आई थिंक आई वन सेड के लेट्स टॉक अबाउट दैट बिकॉज आई थिंक स्पेशली विद सोशल मीडिया ना इट्स अ लॉट वेयर
आप इतना ज़्यादा देख रहे हो कि यू नो लोगों की ज़िंदगी कैसी है और क्या हो रहा है, एंड अ लॉट ऑफ द टाइम्स ऑब्वियसली लाइक यू बिकम यू गो इनटू द स्टेट ऑफ माइंड वेयर यू फील लाइक ओ पीपल हैव इट सो मच बेटर एंड आई एम द वन you know going through this it's a very I think it's a very frustrating place to be in. It's like envy, it's like a lot of bad vibes, and it's just like oh you know. So what do you think, like how does one sort of deal with not consistently comparing your own self to others? Do you think that's a flaw in self-worth somewhere? देखो आपका ये फिर कहाँ से आता है ना, वो जैसे समटाइम्स माय ब्रदर से सारा कसूर माँ बाप का है. तुम लोग यू नो साइकोथेरेपिस्ट है, हर चीज़ को चाइल्डहुड पे ले जाते हो, लेकिन लेके इसलिए जाते हैं कि आपकी जैसे आपकी फिजिकल डेवलपमेंट एक बच्चे की हो रही है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, तो उसकी साइकी और मेंटल हेल्थ की भी डेवलपमेंट हो रही है, तो हम कैसे ना उस बचपन में जाएं. अब आपकी सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये कहाँ से आ रहा है कि हम औरों लोग से अपने आप को कंपेयर करते हैं. हमें क्या छोटे होते पेरेंट्स कहते हैं, उसको देखो, उसके ग्रेड्स को देखो, उसको देखो वो कितने अच्छे तरीके से खेल रहा है, तुम कितना शोर कर रही हो, वो तो नहीं रो रहा. तो वो ऑटोमेटिकली हम बच्चों को करते हैं. फिर हमें मदर्स कितना कंपेयर किया जाता है, हम वर्किंग मदर्स को कितना कंपेयर किया जाता है, कहा जाता है जो हाउस वाइफ है. तो वो हमारे और हमारे कल्चर में बहुत ज्यादा है. लेकिन नाउ एज एडल्ट्स द पॉइंट इज टू व्हाट एंड आर यू गोइंग टू कंपेयर योर सेल्फ, व्हाट ऑल यू थिंक, यू डोंट इवन नो ऑल दैट यू वांट, एंड येट यू आर ट्रैप्ड इन दैट साइकिल ऑफ हाँ मगर इसके पास ये ज्यादा है. सो आई थिंक एक तो जो एक वन थिंग दैट कैन हेल्प पीपल इज के इट्स नॉट एक लेंस ये चेंज करें कि किसी के पास ज़्यादा या कम नहीं है, डिफरेंट है, सबकी जिंदगी डिफरेंट है. आई हैव माई ओन लाइफ, योर लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम मी. Who will decide whether it is better than me or worse than me? It's just different. Yeah, it's you and I are very different. How do we, for example, अभी अगर एकदम बाहर आवाज़ जोर से आती है तो आप चौंकोगी या मैं चौंक, हमारा response फर्क है, ज़िंदगी फर्क है ना. एक घर में भी वो चीज़ है. Like you've lived your story and I've lived my story. एक चीज़. और दूसरी बात है कि हमारा जो locus of evaluation जैसे कहते हैं कि हमारा inner नहीं है, we're so scared to look within. That's why also we are looking outside all the time. Right. So एक तो जो भी कुछ ज़िंदगी में जैसे आपने सवाल किया कि क्या कंपैरिजन करना ठीक होता है तो नहीं होता, तो कोई भी आपको ऐसी थॉट आए, फर्स्ट स्टेप इज बी क्यूरियस कि मैं ऐसे कर क्यों रही हूँ. राइट. क्योंकि देखो खाली उसको शॉर्ट टर्म कि अब हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, इट्स नेवर गोना वर्क. सो व्हेनेवर देयर इज समथिंग विद इन मी और माय क्लाइंट हुज कम विद सम प्रेजेंटिंग इशू एंड दे वांट टू एंड नॉर्मली द नैरेटिव इज हाउ कैन यू फिक्स इट, हाउ कैन यू सॉल्व इट. आई एम लाइक ओके वी विल कम टू दैट. पहले समझो कि तुम इस तरह इस जगह पे पहुंची कैसे हो. वर यू बॉर्न दिस वे? डू यू थिंक दैट इफ यू इन अ डिफरेंट हाउस होल्ड वुड यू स्टिल बी बिहेविंग लाइक दिस? सो दिस कंपैरिजन कम्स फ्रॉम the society and from our upbringing. Having said that, now let's come to part two. What do we do about it? So aapke liye apne saath baithna, apne andar jhankna, us wo agar aap shuru kare jisme aap apni body ko, jab shuru mein jis topic pe humne start bhi kiya hai, aap apne nervous system ko, apni body ko, apne mind ko, apne kitne sawal, kitne jawab, har cheez aapke andar hai. And jo manifestation aajkal itni baat ki jati hai, aapki andar, I mean we are all energy balls, there's so much of energy inside of us and we somehow want to distract ourselves from that and we constantly keep ourselves stuck in narratives. Ek narrative hi hai na, iske paas ye hai, iske paas wo hai. Mere saath zindagi mein pehle ये हुआ था, पुअर मी, आई एम सो सॉरी. कॉन्स्टेंटली वी जस्ट एंगेजिंग अ थिंकिंग माइंड एंड वी स्टक इन नैरेटिव्स. सो लाइक क्लाइंट्स कम टू मी एंड दे हैव स्टोरी आफ्टर स्टोरी एंड एट सम पॉइंट आई एम लाइक ओके लेट्स टेक अ पॉज, व्हाट इज रियली हैपनिंग हियर एंड व्हाई इज साइलेंस सो डिफिकल्ट. लिटरली 5 मिनट्स ऑफ साइलेंस एंड पीपल स्टार्ट गेटिंग पैनिकी. तो एक दफा ने कहा कि नहीं यार आप महंगी बहुत हैं तो 50 मिनट पूरे करने. आई एम लाइक दिस 5 मिनट्स के साइलेंस में आप जो आपके अंदर है जो एक एनर्जी है जो अन कितना कुछ अनमेट है आप उसको ऊपर आने नहीं दे रहे. सो रेस्टिंग एंड स्लोइंग डाउन इज नॉट इन योर कंट्रोल. राइट. तो इसी तरह कंपैरिजन में ये कि अब ये एक इंटेंशन की बात है कि जब आप किसी का कुछ देखें सोशल मीडिया पे एंड रादर देन जस्ट वॉमिटिंग इट आउट दैट फीलिंग मे बी टू योर स्पाउस एंड सेइंग यार मुझे भी ये चीज़ चाहिए या फ्रेंड को, कैन यू सिट विद एंग्जाइटी ऑफ सींग समथिंग दैट समवन हैज जो आपको आपकी महरूमी का बिल्कुल एहसास चला रहा है. जो इंसान फाइनेंशियली फॉर एग्जाम्पल उसने स्ट्रगल किया है बचपन में किया है बड़े होके किया है, अब अगर उसकी सारी फ्रेंड्स लुई वुइटन के बैग लेके उसके सामने, इसलिए तो कहते हैं ना अपनी नेमतों का इजहार मत करें, लोगों को उनकी महरूमी का एहसास ना दिलाएं. लेकिन अब सोशल मीडिया का जो दौर है उसमें उसमें आपने और वही बात है कि अगर सोशल मीडिया ना भी होता तो जब नहीं भी था तब भी लोग कंपेयर कर रहे थे. इट्स नॉट ऑल सोशल मीडियाज़ फॉल्ट. या इट्स द सेम एज के मतलब आप
कि आपके पास अगर अच्छी गाड़ी है तो आप अच्छी गाड़ी में बाहर ना निकलें क्योंकि अगला साइकिल पे है, ऐसे तो नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता ना, वही अगेन डाइवर्सिटी की बात है। आई थिंक द वर्क इन दिस इज सिट विद एंजाइटी ऑफ व्हाट यू फील व्हेन यू लुक अराउंड and then can you be content and can you just have gratitude and acceptance of what has been given on your plate. Yeah. कि आपकी प्लेट पे अगर एक रोटी और साथ दाल और सब्जी है तो आप साथ वाले की टिक्का वोटी को देखना बंद करें जो है आप उसको भी नहीं खाएंगे आप उसी को देखते के क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली लुकिंग आउटसाइड तो हमारा कनेक्शन जो आजकल लोग कहते हैं माइंडफुलनेस योगा रिट्रीट एंड आई एम अम्यूज एट टाइम बिकॉज आई एम लाइक इट्स नॉट गोना डू एनीथिंग अंटिल यू कैन रियली कनेक्ट विद योरसेल्फ या अग्रीड सो मच बिकॉज इवन दैट इज लुकिंग आउटसाइड के ग्रीस जाके रिट्रीट पे चले जाएं और स्पेन चले जाएं कॉन्स्टेंटली हम लोगों की जिंदगी गुजारें इट्स काइंड ऑफ लाइक एन एस्केप राइट व्हाट यू नीड टू डू इज sit with yourself and hum na if you can come to that point where you can really feel comfortable in your skin and your own journey आपको किसी की परवाही नहीं है कि अगर आप मुझे इस वक्त आपने जैसे शुरू में सेशन के कहा कि आई डोंट यू सेड समथिंग अबाउट अ कन्वर्सेशन की बड़ी अच्छी होती है वट एवर सो आई वाज लाइक या ओके थैंक यू बट इट वाज अ पॉइंट वेयर आई वाज हंग्री फॉर दिस वैलिडेशन एंड नाउ इफ इट कम्स आई एम लाइक ग्रेट नहीं आए तो ओके वी नीड टू कम टू दैट प्लेस वेयर वी हैव आवर ओन लेंस एंड वी शुड बी एनफ फॉर अस या वी डोंट नीड टू लाइक आई हैव बीन through that journey myself like before. You know where I have wanted that you know validation or felt like oh I wasn't doing enough yeah, but now I'm at this point where like and it's such a good feeling Zara recently I was talking to my husband as well ke matlab recently mashallah nazar na lagi but I've been celebrating my mental health because Wonderful. I have like I feel like I'm at a really great place after a really long time. And I know it's always up and down. Of course. Trauma hota hai, you go back. Bilkul. But like, you know, right now I want to be feel happy about it and celebrate it. You should. Usme like mujhe na ghabrahat ho rahi thi, saans nahi aayi thi, tabiyat meri thodi kharab ho rahi thi. And I was like, mujhe anxiety attack ya ye panic attack to nahi ho raha. And then I started crying. Not because like and I started crying I wasn't even sure if this is like an anxiety or panic but I started crying because I was like oh my god I thought I was fine now why am I having a panic attack so it turns out it was like completely like a meri tabiyat kharab thi physically I went to the doctor to respond to this ye apni achhi cheez ki ki dekho ek to jaise validation ki jo maine baat ki na main it is again not an absolute position ki agar aap mujhe kuch kahogi to of course it's going to so we do because ek self hai mera aur ek world hai तो हम एक हमारी रिलेशनशिप तो है सिर्फ मैं ये बात करी थी कि अब इस पॉइंट पे ना आए कि अनलेस यू टेल मी दैट आई एम ओके आई कैन नॉट टेल माय सेल्फ आई एम ओके सो श्योर वी डू नीड वैलिडेशन बट एट द एंड ऑफ द डे द बेस लाइन शुड बी दैट आई एम इनफ फॉर माय सेल्फ एंड इफ एनी वैलिडेशन इज कमिंग माय वे ऑफ कोर्स दैट्स वेलकम या बट लाइक इट शुडंट समवन एल्सस वैलिडेशन शुड नॉट बी कंट्रोलिंग यस योर ओन आई थिंक बियॉन्ड अ पॉइंट वी गिव टू मच पावर टू पीपल वी गिव टू मच पावर to people's words and their actions and mostly it is about themselves it is not about us it's very very rarely about us and it sort of links to what we were discussing earlier as well that's your own history and biology talking and we make it about ourselves like they're projecting basically mujhe bhi kisi ne bada interesting ek psychologist the unhone kaha ki I don't know if I can take a politician's name here can I You can. Yeah, sure. So he said कि मैं राणा सनाउल्ला को देखता हूँ तो मुझे ज़्यादा नौजिया होता है and I was like, मुझे भी होता है And then he said, but I tell myself, ये तो TV के अंदर है सो इनकी पावर इतनी सी है तो इसे जब लोग आपके साथ अगर बदतमीजी से बात करें कि तो आपके इंटीमेट रिलेशनशिप्स में ऐसे चैलेंजेस आते हैं तो आप अपने आप को बताएं कि टीवी के अंदर की आवाज़ है एंड इट हैज नथिंग टू डू विद यू सो वो पावर हम देते हैं बिकॉज हम इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हाउ मच डू वी वॉन्ट टू बी इम्पैक्टेड बाई समवन्स वर्ड्स राइट लाइक समवन कैन कम एंड से समथिंग टू यू बट इफ यूर यू नो आपकी सेंस ऑफ सेल्फ स्ट्रांग है तो फिर आपको कहीं नहीं मुझे इसकी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है सेंस ऑफ सेल्फ ही होती है और देखो आई डू रियलाइज के that reaction is not a choice because again our bodies used to being triggered right but intention ke sath कोशिश के साथ आप वो चॉइस इनकलकेट कर सकते हैं कि हाँ मैं ट्रिगर हुई हूँ अभी मैं आने से पहले आई वाज स्पीकिंग टू समबडी एंड आई वाज लाइक गाइडिंग हर अबाउट दिस एग्जैक्टली दिस कॉन्वर्सेशन सेइंग एंड शी वाज सेइंग कि जब मैं एकदम ट्रिगर होती हूँ फॉर एग्जांपल मैं कार में हूँ एंड आई एम गोइंग समवेयर विद द पर्सन हुज ट्रिगरिंग मी व्हाट डू आई डू मैं निकल तो नहीं सकती अगर आप घर ट्रैप्ड इन दैट प्लेस राइट सो आपको वैसे तो आप डिसएंगेज कर सकते हैं तो उसको मैंने ये कहा मैंने कहा देखो सबसे पहले अंडरस्टैंड करो कि ये तुम्हारा नर्वस सिस्टम ट्रिगर हो गया सो इस टाइम पे फॉर एग्जाम्पल काउंटिंग बैकवर्ड्स डज वर्क आपने अपने रैशनल माइंड को एक्टिवेट करना है और आपको लिटरली एक दो मिनट चाहिए सो 5 4 3 2
to one kar lo, 2019, 18, and then the only thought that you can say to yourself is, this is my history coming in the present, my body and what it is feeling has nothing to do with this person and what he or she is saying in the car. Right, okay. And you have to keep practicing it. It's not a one-time thing. Kai dafa aap apne count bhi nahi kar sakenge, aap itne trigger honge. Yeah. Lekin practice ke saath stimulus ka aur response ka time aap badhana shuru kar sakte. Very interesting, right. So, you can practice it and then make it more natural for yourself. I think one day you will start responding. Yeah. देखो, as a child, क्यों हमने reaction सीखा? Because हम एक stimulus मिलता था और हम उसको react करते थे क्योंकि कोई हमें help नहीं थी. बार 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 एक ही तरीके से करके हमें आदत एक तरह react करने की आ गई है. अब हमने उसे unlearn करना है. तो how do we do that? Yeah. Keep practicing it. Yeah. Stimulus आया है. I'm an adult. I'm no longer a helpless child. All these thoughts, the ability to ground myself again and again and again. Absolutely works. Yeah, okay, very interesting. Yeah, I think this is basically a way in which even if you're not going to therapy or whatever, you can learn how to sort of deal of course, with trauma yeah, and absolutely. Triggering situations. Absolutely. Very interesting. Is there anything else you want to add, Zara? I think just to wrap up, if you're not going to therapy for whatever reason, aapki situation hai, understandable. Hum har ek ki zindagi mein koi na koi trigger, koi na koi traumatic situation rahi hai. So agar main isko steps mein aapko doon, so step one is, aapko apni story pata hai. ठीक है, आपको एग्जैक्टली पता है, बेशक आपने किसी को बताई है कि नहीं बताई. सो एक्सेप्ट द पेन दैट यू हैड, दैट स्टेप वन. ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन एक्नॉलेज दैट येस आई एम इन पेन. डोंट ट्राई टू चैलेंज इट, डोंट गेट इन टू द वाई ऑफ इट. वाई एम आई मेकिंग अ बिग डील आउट ऑफ इट? दैट डजेंट मैटर, इट इज़ अ बिग डील फॉर यू. सो जस्ट एक्नॉलेज कि हाँ मैं तकलीफ में हूँ, नंबर वन. नंबर टू, देन सी कि उसका इम्पैक्ट मेरी फिजिकल बॉडी पर किस तरह आ रहा है, मेरी साइकी पर कैसे आ रहा है. मैं एंशियस फील करती हूँ, मैं डिप्रेस फील करती हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द रहती है, मुझे नौजिया रहता है. सो इट मीन्स कि आपकी ट्रामा ने आपकी बॉडी को ठीक ठाक इफेक्ट किया है. थर्डली, एक्सटर्नल स्ट्रेसेस आपकी ज़िंदगी में किस हद तक मैं मैनेज कर सकती हूँ. तो कुछ वाकई हो सकता है मैनेज हो. फॉर एग्जांपल, एक फुल टाइम मॉम जो काम कर रही है, जिसका मियाँ उसको नहीं कह रहा कि तुम काम करो, और उसका बच्चा भी है, एंड शी वांट्स टू बी अ परफेक्ट मदर, एंड येट शी वांट्स टू वर्क फुल टाइम. मे बी शी कैन रियलाइज कि नो, आई थिंक दिस इज़ अ टाइम. बिकॉज देखो, हमारा ट्रामा हर एक के लिए हर वक्त एक्टिवेट नहीं होता. देर इज़ अ टाइम इन योर लाइफ व्हेन योर बॉडी सेज स्टॉप एंड स्लो डाउन एंड गिव मी अटेंशन. द ट्रामा सेज गिव मी अटेंशन. सो मे बी आई वॉन्ट टू डू अ पार्ट टाइम जॉब. तो जो एक्सटर्नल स्ट्रेसेस हैं, जो आपके कंट्रोल में, उनको तो आप मैनेज कम से कम करें ना. राइट, आप उनको मैनेज कर लें, साथ आप अपनी फिजिकल हेल्थ को मैनेज करें. और उस एंड दैट इज व्हाट प्रोसेसिंग इज. फिर आप अपनी रिलेशनशिप्स में देख लें एज अ स्टेप फोर कि हाँ, मैं जब ट्रिगर होती हूँ तो कितनी पावर मैंने अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को, अपने और लोगों को दी हुई है, एंड वट डू आई नीड टू रेगुलेट माई सेल्फ एंड आई एम ट्रिगर्ड. सो फॉर सम पीपल आई सजेस्ट ओके, गो टू द फ्रीजर, गेट सम आइस एंड शॉक योर सिस्टम. बिकॉज अगर हम अपनी सेंसेशन से कनेक्ट करें, जब हम बहुत परेशान होते हैं फिजिकल सेंसेशन से, अगेन आपका इमोशनल माइंड काम डाउन हो जाता है. या सो बेसिकली वी नीड टू लुक फॉर वेज. इसलिए लोग खाते हैं, इमोशनल ईटिंग क्यों करते हैं? जब हम बहुत सैड फील करें, बहुत डिस्ट्रेस फील करें, तो हम अपनी फिजिकल नीड से क्यों कनेक्ट करते हैं? टेस्ट से और स्मेल से और खाने से. तो ये इसीलिए तो किया जाता है. सो रादर देन ओवर ईटिंग और इंडल्जिंग इन ईटिंग, इट कैन जस्ट बी लिटिल थिंग, इट कैन बी व्हाटएवर, हाउएवर यू वांट टू एंगेज योर फाइव सेंसेस. इट कैन बी टच, इट कैन बी जस्ट सिंपली गोइंग एंड हगिंग योर चाइल्ड इफ यू आर रियली अपसेट एंड and you don't have a space or a support system to talk about it. Yeah. You just have the sense of physical touch to ground yourself. Right, interesting. Yeah. That's very nice. That's very nice of you to share, because I know so many people who do not know what to do when they're feeling stuff, and they're just at the mercy of those emotions. Absolutely. And their body. Absolutely. So it's very nice. I like how you worded it. You're literally at the mercy of this demon inside you, a demonic dialogues that are in your mind. Your body is just completely taken over, your systems are all escalated, and you are just feeling helpless and vulnerable. Yeah, so these are some great ways to sort of regulate yourself in that moment. Yes, absolutely. And I think with some mindfulness and practice and just being conscious and aware of that, okay, thank you. Like, if you just start listening to yourself when you're put in that position or that spot or that situation, when you've practiced it enough and when you've thought about it enough, then you can start feeling the emotions come up in your body. Like, jab aapko is cheez ki awareness hona, to you can feel ke acha abhi kuch ho raha hai mere andar se, or something is coming up. Bilkul. And just having that awareness that okay, these emotions are coming up, or this Bilkul. Reaction is generating inside my body. Absolutely. Can make you slow down for 1 second that okay,
now let me try to like 5, 4, 3, 2, 1 this and think of a more रैशनल रिस्पॉन्स टू दिस. और देखो लास्ट की बात ये कि आप ये इमेजिन करें कि अगर आपके रिपीटेडली स्ट्रेसेस जिंदगी में बार 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 आके उन्होंने आपकी एक क्या कहना चाहिए कि आपकी न्यूरल पास एक तरह के बना दिए हैं, आपकी बॉडी को ट्रेन कर दी है, तो उस अनकंडीशनिंग को ये वन टाइम 5, 4, 3, 2, 1 नहीं होगा. दिस इज समथिंग एंड इफ इट वर्क्स फॉर यू डजंट हैव टू वर्क फॉर एवरीबडी. फॉर समवन एल्स वेल इफ यू इन द कार ट्रैप्ड विद समबडी हु इज ट्रिगरिंग यू टेक आउट द फोन, मे बी यूज द टाइम टू ईमेल समथिंग, यू जस्ट वॉन्ट टू एंगेज योर रैशनल माइंड. सो इट यू नीड टू डू all of this over and over and over again. That is why I encourage people to continue to come into therapy. It's not something it's not just going to happen like that. It's not a magic wand. Thank you so much, Zara. Thank you for taking the time coming doing this with me again. I hope to see you again, inshallah. we can talk so many things to talk about. Absolutely. Thank you. Thank you for always imparting your knowledge and helping so many people out there. Thank you for tuning into this episode. I hope that you enjoyed it. I hope that you learned something from it. Please leave comments below so that I can read them. I would love to read them. I would love to hear your feedback. And don't forget to like, don't forget to subscribe, and I'll see you again next time. Thank you, and Allah Hafiz.